हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं गुमटी नंबर 5 चौराहे के बारे में, यानी कि गुमटी नंबर 5 के फैसिलिटीज़ के बारे में। यहाँ पे ये एक प्रकार का मार्केट एरिया है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे हर फैसिलिटी प्रोवाइड है, जैसे कि आपके क्लॉथ से लेकर के आपके पेंट से, शॉप से लेकर के आपके सूट, डिज़ाइनर सूट्स वगैरह सारी चीज़ों की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड है। साथ साथ यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड है। बहुत यहाँ पे जो है लोग जो शॉपकीपर्स होते हैं और जो साथ साथ जो पब्लिक हैं वो अपनी रोड के साइड में अपनी व्हीकल्स को खड़ी कर सकते हैं, अपनी मतलब कर लेते हैं। इसके साइड में जो है हर खाने पीने की फैसिलिटी अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आपको साथ साथ देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे स्वीट्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे विश्राम भंडार की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और जो व्यक्ति यहाँ पे आता है मार्केट एरिया यहाँ पे लगती है। और मंगलवार को यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, यानी कि ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो है बेकरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे घड़ियों की हर प्रकार की फैसिलिटी, यानी कि परफेक्ट एक प्रकार की मार्केट है। और यहाँ पे मेडिकल स्टोर की भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठते हैं। और ये कानपुर की मार्केट में काफ़ी अच्छी मार्केट कहलाई जाती है। और गुमटी नंबर 5 एक प्रसिद्ध मार्केट है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये प्रसिद्ध मार्केट है जहाँ पर आप जो है सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यहाँ तक कि मिल्क की भी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है। यहाँ पे हेयर सैलून की भी अवेलेबल है, जहाँ पर यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे जो है आपको सोना चांदी ज्वेलर्स की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर डिज़ाइनर की, हर सूट्स वेयर्स की, मतलब आपको यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो आपको हर की फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाती है। ये कानपुर में रावतपुर से पहले और जरी चौकी से पहले, मतलब लेफ्ट साइड से देखेंगे तो रावतपुर से पहले और राइट साइड से जरी चौकी से पहले ये मार्केट पड़ती है। और ये बहुत ही अच्छी मार्केट मानी जाती है, इकोनॉमिकल मार्केट मानी जाती है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं मांगी जाती है। और यहाँ पे सभी तरह प्रकार के लोग आते हैं और मार्केट में परचेजिंग करते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियो सुनने को मिलती है। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो।